Hi guys, this is Vijay and you are watching my YouTube channel Techie Vijay. तो आज हम लोग unbox करेंगे Redmi Note 8 Pro. देख सकते हैं unbox इसका. तो पहले जल्दी से देख लेते हैं इसके box content में हमें क्या-क्या मिलता है. तो box में आपको मिल जाता है basic सा TPU case. Handset itself, 18 watt ka charger with USB Type-C cable, SIM ejector tool and user guide. तो ये सब content मिलते हैं आपको box के अंदर. तो जल्दी से देख लेते हम लोग इसका physical overview. तो इसमें आपको front and back panel पे Gorilla Glass 5 की protection मिल जाती है और front पे आपको 20 megapixel का front camera मिल जाता है. और बैक पैनल की बात करें तो इसमें आपको एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल जाता है आपको विद एलईडी फ्लैश. और बैक साइड पे ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है. एंड लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज, पावर बटन की कीज. और राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है सिम ट्रे, जो कि हाइब्रिड नहीं है. इसमें आप डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं. ना अब टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में आपको सेकेंडरी माइक मिल जाता है और आईआर ब्लास्टर सेंसर मिल जाता है फॉर रिमोट कंट्रोलिंग दी टीवीज. बॉटम साइड में आपको मिल जाते हैं स्पीकर ग्रिल्स, मेन माइक्रोफोन और टाइप सी का पोर्ट, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको और 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है आपको. इसमें आपको फ्रंट एंड बैक पैनल बोथ साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है. फ्रंट साइड में आपको डॉट नॉच वाली IPS LCD 6.53 इंचेस की LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसपे कि आपका 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अटैच है. और बैक पैनल की बात करें तो उस पर भी गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन दी. और बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसमें आपको MIUI 10 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड पाई. तो इसी के बाद हमें अपडेट इसका मिल जाएगा MIUI 11 का देखने के लिए. जहाँ तक चांसेस हैं कि Q1 2020 में आपको इसको एंड्रॉयड 10 का अपडेट भी मिल जाएगा जल्दी. बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिल जाता है MediaTek का G90T, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और MediaTek का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है. तो अगर हम एंतुतु बेंचमार्क की स्कोर की बात करें तो इसमें लगभग मुझे मिले थे 2,80,000, जो कि बहुत ही हाई है, क्योंकि मैंने सिर्फ दो चीज़ इंस्टॉल करी थी, पबजी और COD. अगर आप और भी इंस्टॉल करके ऐप चलाएंगे तो शायद जहाँ तक आएगा 2,40,000 तक आएगा, तब भी बहुत ही बढ़िया स्कोर है. बात करें इसके रैम वेरिएंट की तो ये वाला जो है मेरे पास, ये है 6GB रैम विथ 64GB इंटरनल और इसमें आता है आपको एक 6GB 128GB इंटरनल वाला भी. तो 6GB 64GB की प्राइस है 15,000. और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 4500 mAh की लार्ज बैटरी. तो इसके साथ आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाता है. तो लगभग इसे चार्ज करने में टाइम लगेगा आपको 1 hour 35 और 40 minutes 0 to 100 चार्ज होने में. एक बात और, इसमें आपको बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और साथ में इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है. पहली बात, Redmi ने अपनी Note सीरीज़ में 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है. अब इसे कंपेयर करें इसके प्रेडिसेसर Redmi Note 7 Pro से, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं बताता हूँ आपको. जैसे कि पहला, इसकी बैटरी बढ़ा दी गई है, 4000 से 4500 mAh कर दी गई है इसकी बैटरी. और इसका जो स्क्रीन साइज है वो भी बढ़ा दिया गया है और बेजल्स भी इसके कम हो गए हैं और इसका प्रोसेसर भी थोड़ा बढ़िया है, उससे कैमरे में इम्प्रूवमेंट है. और सबसे बड़ी बात, इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है. तो Redmi Note 7 Pro जो आया था उसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट था, तो वो थोड़ा डाउन पॉइंट था एक उस टाइम. बड़ी बात ये कि बॉक्स में ही आपको फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर दिया गया है, जैसा कि Redmi Note 7 Pro के केस में नहीं था. उसमें आपको बेसिक 10 वॉट का चार्जर ही प्रोवाइड किया गया था. और अगर बात करें इसके कंपटीशन की तो इसके कॉम्पिटिटर में आता है Realme का XT, जो कि इसके लगभग 1000 रुपीज़ प्राइस हाई है.
तो उसमें आपको एक ख़ास बात है कि उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें है आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। जहाँ तक माना जाता है एमोलेड डिस्प्ले बैटरी के लिए भी इफ़िशेंटली वर्क करती है और उसके कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं। तो ये एक डाउन पॉइंट है रियलमी XT से इसका। और लेकिन इसका कैमरा रियलमी XT से बढ़िया है, फ्रंट कैमरा भी इसका बढ़िया है। इसमें आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाती है 4500 mAh की। और Realme XT में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है Redmi Note 8 Pro के लिए, क्योंकि इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के ज़रिए बहुत ही फास्ट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल टेकी वीजे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को एंड शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।